अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पका रहा हूँ कद्दू चने की दाल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चने की दाल को 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। तीन घंटे बाद इस दाल को उबलते हुए पानी में डाल दें और ढककर 30 से 40 मिनट तक उबलने दें। जब आप देखें कि चने की दाल गल चुकी है तो इसे छान लें और एक तरफ रख दें। अब एक बर्तन में तेल डालकर गरम कर लें, फिर इसमें जीरा और प्याज डालकर हल्का सा भून लें। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज ब्राउन ना हो। जब प्याज भुन जाए तो इसमें कद्दू शामिल करें और मज़ीद 4 से 5 मिनट तक भून लें। अब आप इसमें टमाटर शामिल कर लें और कद्दूओं के साथ मज़ीद 5 मिनट तक भूनें ताकि टमाटर अपना जायका कद्दू में छोड़ दें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल करके इन मसालों को मज़ीद 1 मिनट भूनें। अब इसमें उबली हुई दाल शामिल कर दें। और साथ ही इमली का गूदा डाल दें। और फिर इसमें पानी डालकर उबाल आने का इंतज़ार करें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दें और कद्दू चने की दाल को मज़ीद 15 मिनट तक यूं ही पकने दें। पंद्रह मिनट बाद आप इसमें गरम मसाला डाल दें और ढककर मज़ीद 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं।
उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और कद्दू चने की दाल को डिश आउट कर लें।